दोस्त, सिर्फ दोस्त, इतनी आसानी से इतना बड़ा झूठ मत बोलो आफरीन। यही सच है नाजरीन। आज मैं तुम दो मालूमात देवांगा, दो ऐसी मालूमात देवांगा कि जेड़ी इस तू पहले तुहानू किसे ने नहीं दिती होनी। सब तो पहले सहमा दी इंडस्ट्री च वापसी, किस तरह सहमा सुल्तान राय दी मौत तो बाद जदों बेकार हो गई, घर बैठ गई, लोग उसनू सुल्तान राय दी बेवा कहंदे सन और वो बिल्कुल बेकार हो गए, घर बैठ गए, फिल्मां मिलनियां बंद हो गई। तो कौन राइटर सी, कौन डायरेक्टर सी जिसने स्पेशल सहमा वास्ते करैक्टर लिखाया और सहमा दी इंडस्ट्री च वापसी हुई और उन्हें तड़ा तड़ फिल्मां मिलना शुरू हो गई। उस तो बाद जी दूसरी खबर है सुल्तान राय की मौत तो बाद शान जिहड़ा उस वक्त बहुत ही ज़्यादा मसरूफ आर्टिस्ट थी, मसरूफ एक्टर सी और तकरीबन हर महीने उसकी एक फिल्म रिलीज होती सी। सुल्तान राय की मौत तो बाद जो स्टूडियो वीरान हो गया, शान नू काम मिलना बंद हो गया तो शान अमेरिका चला गया। और किहड़ा ऐसा राइटर सी, किहड़ा ऐसा डायरेक्टर सी जिसने शान वास्ते स्पेशल काम लिखवाया और शान अमेरिका तो वापस उन्हें बुलाया और उन्हें अपनी फिल्म में बतौर विलन लिता। हालांकि उस वक्त शान बतौर हीरो काम कर रहा सी और बहुत ही कामयाब सी। मुझे इस तरह मिलना अच्छा नहीं लगता आफरीन, कितनी अजीब बात है, हम दोनों सगे भाइयों की औलाद हैं। जी हाँ, जेड़ी फिल्म का मैं तस्करा करन जा रहा हूं उस फिल्म का नाम है घूंघट। यह फिल्म 12 जुलाई 1996 च रिलीज हुई और ये अपने दौर की एक सुपर डुपर हिट फिल्म सी। इस फिल्म ने उस वक्त 4 निगार अवार्ड जीते सन 1996 के। और जनाब वो राइटर कौन सी, जनाब वो डायरेक्टर कौन सी, जनाब उस राइटर ते डायरेक्टर का नाम सी सैयद नूर। सैयद नूर ने सैमा वास्ते और शान वास्ते स्पेशल करैक्टर लिखाया और शान ने विलन का किरदार अदा किया। साइमा ने सैड हीरोइन का किरदार अदा किया लेकिन लाजवाब परफॉर्मेंस दी। घूंघट की जड़ी हीरोइन सी वह अंदलीप सी और 1996 के अंदलीप PTV की बड़ी ही मसरूफ आर्टिस्ट सी और उसनू सैयद नूर साहब ने रिस्क लैके पहली दफा हीरोइन का काम दिता। उस मुकाबले च मोहसिन हसन खान सी। अंदलीप ने भी शानदार एक्टिंग का मुजाहरा किया। और नाजरीन फ्रिया परवेज जेडी के मशहूर सिंगर सी और उसका गाना सी पतंगबाज सजना सी। सैयद नूर ने स्पेशल उन्हें रिक्वेस्ट की और सैयद नूर की रिक्वेस्ट से उन्होंने आके अंदलीप की डबिंग की। तुम्हारी वजह से मेरी हंसती बसती जिंदगी में आग लग गई, मेरा घर, मेरा प्यार मुझसे छिन गया। अंदलीप ने भी बड़े अच्छे काम का मुजाहरा किया, बड़ा ही अच्छा और शानदार काम किया। और नाजरीन एक ऐसा सीन सी जिहड़ा फिल्म के एंड उत्ते, फिल्म के आखिर उत्ते अंदलीप शान नू गोली मार दी है। नाजरीन इस सीन वेखण वाला आंदा है, शान के जो एक्सप्रेशन सन, शान का जेड़े चेहरे के तासरा सन वो इंतहाई जबरदस्त सन। और अंदलीप ने भी जबरदस्त एक्सप्रेशन का मुजाहरा किया और साबित किया कि वह एक वर्ल्ड स्टाइल फनकार सी। उस तो इलावा अगर तुसी शान नू देखो, शान ने इस फिल्म वास्ते छोटी छोटी दाढ़ी रखी सी और कन्ना विच उहदे वालियां सन और वो कंप्लीट विलन लग रहा सी और मुकम्मल विलन लग रहा सी कि वाकई ही शान एक जबरदस्त एक्टर है और जबरदस्त विलन है। और शान ने विलन के रोल विच भी साबित किया कि वो बड़ा ही अच्छा एक्टर है। इस फिल्म तो बाद साइमा और शान की जोड़ी बनी और उन्होंने तड़ा तड़ पंजाबी फिल्मां मिलना शुरू हो गया। नादरी घूंघट जिहड़ी फिल्म सी उसका म्यूजिक ही बड़ा शानदार सी और नादरी उसका जिहड़ा गाना सी देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा कैसे कटे रात दिन तेरे सिवा कुछ ना अच्छा लगे, तेरे सिवा कुछ ना अच्छा लगे। नाजरीन बड़ी ही जबरदस्त फिल्म है घूंघट, यूट्यूब पे मौजूद है, तुसी जाके फिल्म देख सकते हो
और मैनू कमेंट्स करके दसना कि जिहड़ियां गल्लां मैं तुहानूं दसियां ने वाकई ठीक हन जां नहीं। नाज़रीन, सैयद नूर ने सहमा ते शान ते बहुत बड़ा एहसान किया और उन्हां नूं बकायदा करैक्टर लिखाया, उन्हें बुलाया और उन्हां नूं कम दिता और इस तरह फिल्म इंडस्ट्री के अंदर शान ते सहमा का दूसरा जन्म होया। नाज़रीन, अगर तुहानूं मेरी मालूमात अच्छी लगी होवे मेरे चैनल लाइक करो, सबसक्राइब करो ते शेयर।